आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू जीआईएस। तो रिमोट सेंसिंग अब तक हमने पढ़ लिया है, आज हम लोग जीआईएस की बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की। मोस्ट प्रोबेबली दो लेक्चर हम लोग लेंगे जीआईएस पर। आज जीआईएस पे जो हम लोग बात करेंगे दैट इज हिस्ट्री ऑफ जीआईएस, फंडामेंटल टाइप ऑफ डेटा पे बात करेंगे, देन कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस पे डिस्कशन होगा। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफिक डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उनको पढ़ेंगे। फाइनली कोऑर्डिनेट सिस्टम और डेटम, ये दो चीजें पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम और डेटम जब आप जीआईएस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो अक्सर जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम और डेटम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कोशिश करते हैं आज कवर करने की। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या। तो जीआईएस को बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर कहें तो जीआईएस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टूल फॉर मैपिंग एनालिसिस। तो जीआईएस क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है, किसके लिए, मैपिंग के लिए और एनालिसिस के लिए। दूसरे तरीके से अगर डिफाइन करें तो हम और कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम दैट एनालाइजेस एंड डिस्प्लेज ज्योग्राफिकल रेफरेंस इंफॉर्मेशन। यानी जीआईएस का एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो क्या करता है, ऐसी इंफॉर्मेशन को, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है जो रेफरेंस्ड है। ठीक है, रेफरेंस है यानी उसका एक यूनिक उसकी लोकेशन है, और यूनिक लोकेशन किस रेफरेंस में, यानी जो भी इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी जो उसकी स्पेशल इंफॉर्मेशन है वो क्या है, उसमें मौजूद है। इसके अलावा अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस कंटेनिंग ज्योग्राफिक डेटा। ज्योग्राफिक डेटा अगेन यानी उसकी क्या है, लोकेशन नोन है। तो किसी भी डेटा की अगर लोकेशन गिवन है तो दैट डेटा बिकम्स ज्योग्राफिक डेटा। ठीक है, कंबाइंड विद सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर मैपिंग एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग द डेटा। तो जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, पहली बात है कि वो ज्योग्राफिक डेटा है यानी उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। उसके अलावा आपके पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, उस डेटा को मैनेज कर सकता है, उस डेटा को एनालाइज कर सकता है, और उस डेटा को क्या कर सकता है, विजुअलाइज कर सकता है। इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन की जो सिस्टम की जो एप्लीकेशन है वो ह्यूज है, और ऑलमोस्ट हर फील्ड में जो जीआईएस है वो आज की तारीख में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप जो भी मैप्स देखते हैं सब जीआईएस है, आप जो डिलीवरीज होती हैं आजकल उसमें जीआईएस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जो जीआईएस जो है वो इनफैक्ट आपके लाइफ में हर एक जगह है, हो सकता है कि आपने उसे देखा ना हो बट वो हर जगह जीआईएस अवेलेबल है। थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो सबसे पहला उदाहरण है वो एक फ्रेंच ज्योग्राफर हुए चार्ल्स पिकेट। चार्ल्स पिकेट ने सबसे पहले क्या किया था, पेरिस की 48 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको लिया उन्होंने, और उन्होंने बेसिकली उन डिस्ट्रिक्ट्स को, जो आपको पता होगा पुराने समय में कॉलरा बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो उन्होंने किया क्या, कि कॉलरा से होने वाली डेथ्स हैं उन डेथ को उन्होंने इस 48 डिस्ट्रिक्ट्स में कलर ग्रेडियंट मेथड से दिखाया। ठीक है, तो उन्होंने पर 1000 जो कॉलरा डेथ्स हैं उन पर 1000 कॉलरा डेथ को कलर ग्रेडियंट मेथड से उन्होंने किसमें दिखाया, मैप में दिखाया। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है जो हमें जीआईएस का एग्जाम्पल मिलता है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ये बात शायद लोगों को बहुत बाद में दुनिया में समझ में आई कि जो मैप्स है दे हैव एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो मैप में एक ताकत है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ये बात बहुत बाद में समझ में आई। और जीआईएस एक्चुअली यही है कि मैप हैज एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो मैप्स की जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो जीआईएस की स्ट्रेंथ है बेसिकली। इसको जो सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और सबसे पहली बार इस्तेमाल किया वो थे जॉन स्नो, जिन्होंने 1854 में लंदन में कॉलरा आउटब्रेक हुआ था। तो उन्होंने कॉलरा आउटब्रेक में उन्होंने किया क्या कि उन्होंने मैप्स बनाए और उन मैप्स में उन लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जहां के लोगों को कॉलरा हुआ था, और फिर उन्होंने हीट मेथड से उसे क्लस्टर किया, और जब उन्होंने उसे क्लस्टर किया तो वो कहां पहुंच गए, उस जगह तक पहुंच गए जो क्या था, बेसिकली सोर्स था किसका, कॉलरा का सोर्स था। कॉलरा को उस वक्त तक माना जाता था कि कॉलरा जो है वो एयरबॉर्न है, मतलब जैसे अभी कोविड है, कोविड क्या है, एयरबॉर्न हम लोग मानते हैं कि एयरबॉर्न है। तो बेसिकली जो डॉक्टर स्नो थे, डॉक्टर स्नो का ये मानना था कि नहीं, ये जो कॉलरा है वो एयरबॉर्न नहीं है। और इसको दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने और ये डॉक्टर स्नो जो है वो बेसिकली क्वीन विक्टोरिया के एनेस्थेलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक मैक बनाया और उस मैक में उन सारी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जहां पे बेसिकली ये देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, ये लंदन के उस लोकेलिटी का मैप है जहां पे डॉक्टर जॉन स्नो ने काम किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो आप ये डार्क स्पॉट्स देख रहे हैं, ये सारी वो लोकेशंस हैं जहां पे ये वो घर हैं जहां पे कॉलरा के जो मरीज हैं वो पाए गए। इन मैप्स, इन लोकेशंस के साथ देखिए हीट मैप्स बनाया, आपने अपने पीजी और यूजी में हीट मैप्स बनाया होगा, तो देखिए उन्होंने हीट मैप बनाया।
जब उन्होंने हीट मैप बताया तो देखिए कुछ खास जगह जहां आप येलो देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पे पेशेंट्स का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो उस पेशेंट के कंसंट्रेशन के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है इन पूरी जगहों पे जो जिसकी वजह से ये ज्यादा हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि इन सारी जगह पे जो सबसे एक कॉमन सिस्टम है वो ये है। पुराने समय में लंदन में क्या हुआ कि कुछ कंपनियां होती थी जो पानी को सप्लाई करती थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पानी के सप्लाई के उस नेटवर्क को देखा, तो उन्होंने ध्यान दिया कि ये एक्चुअली ये वो जगह है जहां पे सेम कंपनी क्या करती है, पानी को सप्लाई करती है। देखिए ये वो नेटवर्क था हैंडपंप्स का, ठीक है। और मतलब इस मैप से उनको ये समझ में आया कि जो कॉमन चीज है हाई डेंसिटी इलाके वाले में वो आपकी बेसिकली क्या है, सप्लाई लाइन्स है। और वो इस बात को समझने में उनको समय नहीं लगा कि बेसिकली जो कॉलरा जो है वो इसी पानी की सप्लाई की जो लाइंस हैं, इन्हीं लाइंस में जो लोकेलिटीज हैं इन्हीं के थ्रू जो है वो चारों तरफ क्या है, फैल रहा है। उसके बाद वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि सारे जो हैंडपंप्स थे इनके जो हत्ते थे ये उन्होंने निकाल दिए, और फिर देखते ही देखते जो कॉलरा था, उस कॉलरा का जो डिजीज था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये पहला बहुत ही शानदार एग्जाम्पल था कि किस तरीके से मैपिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जॉन स्नो को मानते हैं फाउंडर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मतलब जब हम डिजीज जो आउटब्रेक्स हैं उनकी जब मैपिंग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी। जैसे हम मेरी जो रिसर्च है उसमें हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हम लोग मैप्स को यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है तो हम सब बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है, हम जो जो डिजीजेस हैं उनको 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 जब मैपिंग उनकी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत सारे डिजीजे हैं जिनको हम कवर करते हैं, और मैं आपको आने वाले समय में उसका एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से अगले ही स्लाइड में है, ठीक है। अब देखिए ये बेसिकली कोविड आउटब्रेक है, जो आपका जो फर्स्ट वेव है उस फर्स्ट वेव का कोविड आउटब्रेक है। 15 जुलाई 2020 की आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, और ये सेकेंड आउटब्रेक है। 15 जुलाई 2020 की आप तस्वीरें देखें, ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है कोविड केसेस का। इसको हमने क्या किया, 5 क्वार्टाइल्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। तो देखिए ये पूरे इंडिया में आपके क्या है, नंबर ऑफ केसेस है। ये बेसिकली एक क्या है, सिंपल जीआईएस है। आपने क्या किया, डेटा को आप क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो डेटा को शो करना भी क्या है, जीआईएस है। तो इस मैप में आप देखेंगे ए में, तो हमने क्या किया, सिंपली कोविड केसेस को हम शो कर रहे हैं। अब जो चीजें आमतौर पे देखने से रैंडम लगती हैं, जरूरी नहीं कि वो रैंडम हो सकता है कि उसमें क्या हो, पैटर्न हो। एक तरह की एनालिसिस होती है जिसे हम हॉटस्पॉट एनालिसिस कहते हैं। इसी डेटा के साथ जब ने इस और हॉटस्पॉट एनालिसिस को रन किया, ये एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को रन किया, तो उसने बताया कि देखिए ये जो इलाका है ये वो इलाका है जो हॉटस्पॉट है कोविड का, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन में नहीं थी, हमने जीआईएस टेक्नोलॉजी को यूज किया और उसने बताया कि किस एरिए में जो हॉटस्पॉट्स हैं वो बिल्ट अप हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ जीआईएस टेक्नोलॉजी, दैट हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जो 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 इन्फॉर्मेशन है जो सिंपली नहीं दिखाई देती है, वो जो पैटर्न है जो सिंपली नहीं दिखाई देते हैं, जैसे इस मैप में आपको कोई पैटर्न नहीं दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन जब आपने उसमें फर्दर एनालिसिस किया तो आपको क्या दिखाई दिया, पैटर्न दिखाई दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जीआईएस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पैटर्न्स दिखाते हैं। एक दूसरी एनालिसिस है जिसे हम मोरॉन्स आई एनालिसिस कहते हैं। ये मोरॉन्स आई एनालिसिस भी एक दूसरा एल्गोरिदम है जो इस तरीके से काम करता है कि अगर हॉटस्पॉट का कोई एरिया है, मतलब ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हॉटस्पॉट्स का हिस्सा है, लेकिन हो सकता है कि इनके में बीच में से कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जिसकी वैल्यू आसपास की डिस्ट्रिक्ट से वैल्यू उसकी क्या हो, कम हो। लेकिन जब हम हॉटस्पॉट का एनालिसिस करते हैं तो वो क्लस्टर एनालिसिस होती है। क्लस्टर एनालिसिस मतलब कि आप 10 जो हैं डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हैं, बीच में एक डिस्ट्रिक्ट प्रभावित नहीं है, लेकिन क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट बीच में है तो वो डिस्ट्रिक्ट उस क्लस्टर का हिस्सा माना जाएगा। तो हॉटस्पॉट एनालिसिस क्या करता है, क्लस्टर आइडेंटिफाई करता है। तो हो सकता है कि ये डिस्ट्रिक्ट की जो वैल्यू है वो लो हो, लेकिन क्योंकि वो पूरे क्लस्टर का हिस्सा है तो वो क्या माना जाएगा, वो उस क्लस्टर का पार्ट हो जाएगा। मोरॉन्स-आई हमें ये बताता है कि जो क्लस्टर है उन क्लस्टर में लो वैल्यू डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, यानी वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जहां अभी कोविड, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है हॉटस्पॉट क्लस्टर हिस्सा, लेकिन अभी वहां पे कोविड केसेस क्या है, कम है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो केसेस हैं वो क्या है, कम है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो लो हाई क्लस्टर्स, ठीक है, यानी वो ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू अभी क्या है, लो है, यानी जिनको अभी फर्दर आप क्या कर सकते हैं, जो जो ट्रांसमिशन हो रहा है उससे आप बचा सकते हैं। सिमिलरली आप जो कोल्ड स्पॉट्स हैं उनमें आप बता सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू क्या है, हाई है।
इन अ वेरी नटशेल जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है जीआईएस का ऑब्जेक्टिव, टू फाइंड आउट द पैटर्न्स, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन गैदर करना और जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये काफी ज्यादा पढ़ा गया पेपर है, दुनिया में साइटेड पेपर है, और रिसेंटली WHO ने इसे अपने लिटरेचर में शामिल किया है। वो एक ग्लोबल लिटरेचर बना रहे हैं कोविड का, तो उस ग्लोबल लिटरेचर में इस पेपर को उन्होंने रिसेंटली ऐड कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी की जो नॉलेज है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है आप उनसे क्या कर सकते हैं, इससे सॉल्व कर सकते हैं। आपने गूगल अर्थ यूज किया होगा, गूगल अर्थ क्या है, इज एग्जाम्पल ऑफ जीआईएस टेक्नोलॉजी। गूगल अर्थ जो है वो कम्प्लीटली क्या है, जीआईएस है। आप जो भी नेविगेशन अपने मोबाइल में लगाते हैं दैट ऑल इज जीआईएस। उसके अलावा ये आपके गूगल मैप्स हैं, आपने इनको भी अक्सर यूज किया होगा। ये गूगल मैप्स भी क्या है, ये भी जीआईएस टेक्नोलॉजी का ही एग्जाम्पल है। अब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जैसे जॉन स्नो ने जो काम किया था दैट वॉज मैनुअल वर्क, उन्होंने मैप्स में हाथ से काम किया, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली जो आपकी जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन है उसके साथ जोड़ने का जो क्रेडिट है वो रॉजर टॉमलसन को जाता है। तो रॉजर टॉमलसन जो थे उन्होंने सबसे पहले एक पेपर लिखा 1968 में जिसका टाइटल था ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर रीजनल प्लानिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद जो जीआईएस की जो टेक्नोलॉजी की ऑफिशियली हम मानते हैं उसकी क्या हुई, शुरुआत हुई, और इसी वजह से रॉजर टॉमलसन जो है उन्हें फादर ऑफ जीआईएस जो है वो माना जाता है, ठीक है। और यही फर्स्ट थे, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो ज्योग्राफिक जो डेटा है उसको इन्होंने स्टोर किया, उसे डिजाइन किया, सॉफ्टवेयर्स बनाए और उन्होंने एनालाइज किया। रॉजर टॉमलसन की अभी कुछ ही समय पहले 2014 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो रॉजर टॉमलसन क्या है, फादर ऑफ जीआईएस हम उनको मानते हैं। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी है जिसमें हावर्ड फिशर नाम के एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाया था जिसे SY मैप कहते थे, ठीक है। हम मानते हैं कि ये जो SY मैप है ये पहला प्रोग्राम है, बेसिकली शुरुआती फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है किसके लिए, मैपिंग के लिए। देन 1965 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड लेबोरेटरी जो है उसे एस्टेब्लिश किया गया, इसका नाम था हार्वर्ड लेबोरेटरी फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। और उसमें एक रिसर्च सेंटर क्या जो उन्होंने रिसर्च सेंटर उन्होंने बनाया था उसमें स्पेशल एनालिसिस और विजुअलाइजेशन ये लोग करते थे डेटा का। बेसिकली यही शुरुआती जो जीआईएस का काम था ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू हुआ, ठीक है। और ये जो काम शुरू हुआ इसमें इसमें बहुत सारे लोग थे, मतलब ये सिर्फ ज्योग्राफी के लोग नहीं थे, इसमें आपके ज्योग्राफर्स के साथ जो दूसरे प्लानर्स हैं वो थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे आपके, ठीक है। तो बहुत सारी फील्ड के, एनवायरनमेंट की फील्ड से बहुत सारे लोग थे, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कलेक्टिवली इसको बनाया जिसे हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा बेसिकली जो माइलस्टोन है वो ISRI है। ISRI आपने सॉफ्टवेयर सुना होगा ArcGIS, तो ArcGIS जो सॉफ्टवेयर है दैट इज ISRI कंपनी है जिसने ArcGIS सॉफ्टवेयर बनाया है। और 1969 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था जैक डेंगरमोंड जो है वो शुरुआत में वो हार्वर्ड लैब से वो जुड़े हुए थे और बाद में वो हार्वर्ड लैब से अलग हुए और उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन बनाई, अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था एनवायरमेंटल सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट। और फिर ये जो कंपनी थी, इस कंपनी ने एक्चुअली जीआईएस टेक्नोलॉजी को और जीआईएस सॉफ्टवेयर को रेवोल्यूशनाइज कर दिया बिल्कुल, और मतलब दुनिया में कोने कोने तक इन लोगों ने पहुंचा दिया इसको। इनका जो सॉफ्टवेयर था वो वाइडली यूज सॉफ्टवेयर आज भी है और सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं ArcGIS सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल हैं, आर्क इन्फो, आर्क व्यू और बहुत सारे दूसरे मॉड्यूल्स, वो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो इस ISRI कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं। तो जीआईएस टेक्नोलॉजी इसको आप डिवाइड करें तो 1975 से 1990 का जो पार्ट है ये बेसिकली जीआईएस सॉफ्टवेयर का कमर्शलाइजेशन हुआ। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए और ये दुनिया भर की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने इन सॉफ्टवेयर को यूज किया। जो बिल्कुल शुरुआती कार्टोग्राफिक प्रोडक्ट्स थे वो GIMMS थे, फिर मैप ICS आया, सरफेस आया, ग्रिड आया, IMG RID आया, जियो मैप आया, ठीक है, और एक मैप करके भी सॉफ्टवेयर आया। तो इस समय तक ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं वो मैक में आए, लेकिन 1990 तक ये जो पूरा जो सिस्टम था ये बिल्कुल कंसंट्रेटेड था स्पेसिफिक गवर्नमेंट जो है उनके पास, मतलब इसका बहुत ज्यादा फैलाव नहीं हुआ था, लोग इसे यूज नहीं कर रहे थे। फिर 1990 से 2010 के बीच में इसका यूजर प्रोलिफरेशन हुआ, इसका मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर थे वह आम लोगों के हाथ में पहुंचे और साथ में बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई, इन सैटेलाइट्स ने तस्वीरें खींचना शुरू किया और इन तस्वीरों को वो बहुत सारी सैटेलाइट तस्वीरें जो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने अवेलेबल कराना शुरू किया।
तो इस तरीके से जो सैटेलाइट इमेजेस हैं बेसिकली जो हमारा रॉ डेटा है वो रॉ डेटा भी अवेलेबल होने लगा, और साथ में ये जो सॉफ्टवेयर थे वो भी क्या होने लगे, अवेलेबल होने लगे। क्योंकि जैसे जैसे बहुत सारी कंपनीज इस मार्केट में आई, जो सॉफ्टवेयर की कीमतें थी वो क्या हुई, कम हुई। तो इस तरीके से इस पूरे 20 साल के प्रोसेस में 1990 से लेकर 2010 तक जो ये इसका कॉमर्शलाइजेशन है, प्रोलिफरेशन है, इसका फैलाव है, वो दुनिया भर में हुआ। और अब अचानक से आप लोग देख रहे हैं कि एक बिल्कुल नया टाइप ऑफ एक्सप्लोजन हुआ है जिसे हम ओपन सोर्स एक्सप्लोजन कहते हैं। ठीक है, अब जो सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसमें सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है वो QGIS है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से उनके पास होगा भी, और नहीं है तो बस आप गूगल में QGIS टाइप करिए, आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और उसको आप यूज करना शुरू करिए। बहुत सारी वीडियोस हैं जो ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर की, उनको आप यूज कर सकते हैं। 2010 के बाद बिल्कुल ओपन सोर्स एक्सप्लोजन हुआ, सैटेलाइट डेटा सबका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ही है, और सॉफ्टवेयर भी क्या है, अवेलेबल है। तो अब ये आसानी से ये हर एक रिसर्चर, इनफैक्ट जैसे आप जैसे लोग और हमारे जैसे लोगों के भी अब ये सॉफ्टवेयर क्या हो गए, हाथ में आ गए। हम इस टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं और बहुत सारी जो डिफरेंट स्टडीज हैं वो इस टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फंडामेंटल टाइप ऑफ डेटा। बेसिकली दो टाइप के डेटा होते हैं, एक को हम कहते हैं वेक्टर डेटा और दूसरे को हम कहते हैं रास्टर डेटा। बेसिकली जो आपका वेक्टर डेटा है वो क्या है, आपके पॉइंट, लाइन और पॉलीगन तीन फॉर्म में होता है। और जो वेक्टर डेटा होता है, ये जो डेटा होता है इसको बेसिकली आप क्रिएट करते हैं जीआईएस सॉफ्टवेयर में। जो रास्टर डेटा होता है वो एक्चुअली पिक्सल डेटा होता है। पिक्सल डेटा मतलब जैसे आपकी फोटो, अगर आपने मोबाइल से फोटो खींची है तो वो क्या है, पिक्सल डेटा है। तो वो डेटा क्या हुआ, रास्टर डेटा हुआ। जो आपके सेंसर्स हैं जब वो अर्थ की तस्वीरें खींचते हैं तो वो क्या हुआ, वो आपकी जो अर्थ की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भी क्या है, आपकी रास्टर डेटा है। तो वो सारा डेटा जो पिक्सलेटेड है वो रास्टर है, और वो सारा डेटा जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में है जिसे आप जीआईएस सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते हैं वो वेक्टर डेटा है। वेक्टर डेटा पॉइंट हो सकता है, लाइन हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है। अगर आपको देखना है, अगर आपको डिफरेंस जानना है कि कौन सा वेक्टर डेटा है कौन सा रास्टर डेटा है, तो उसे आप जूम इन करने लगिए। जो रास्टर डेटा होगा वो जूम होते होते पिक्सल्स तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो वेक्टर डेटा होगा वो इनफेनाइट टाइम तक आप उसे जूम करते रहेंगे और वो जूम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है, तो जो वेक्टर डेटा होता है वो इनफेनाइट टाइम तक जूम हो सकता है, लेकिन जो आपका रास्टर डेटा है उसकी क्या होती है, एक रेजोल्यूशन होती है, और बस उस रेजोल्यूशन पर जाके वो फिक्स हो जाता है। फिर आपको वो ग्रिड्स जो है वो दिखाई देने लगेंगे, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। और आमतौर पर जो आपके जीआईएस सॉफ्टवेयर होते हैं दोनों तरह के डेटा को हैंडल कर लेते हैं। जैसे आपका जो QGIS है ये वेक्टर डेटा भी हैंडल करता है और रास्टर डेटा भी हैंडल करता है। हमारा जो ArcGIS सॉफ्टवेयर, इसको हम वाइडली यूज करते हैं, वो भी वेक्टर और रास्टर दोनों तरह का जो डेटा है उसे क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वेक्टर डेटा है वो पॉइंट, लाइन और पॉलीगन्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी पॉइंट, लाइन्स और पॉलीगन है, ये जो पॉइंट, लाइन और पॉलीगन्स है, एक्चुअली ये वर्ल्ड में किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती है। तो आपके जो फीचर्स हैं वो एक्चुअली तीन तरीके के हो सकते हैं, इसीलिए जो आपका वेक्टर डेटा है ये भी तीन तरीके का होता है। हो सकता है कि कुछ फीचर आपके पॉइंट्स हों, जैसे अगर आपको हैंडपंप की लोकेशंस को मार्क करना है तो हैंडपंप की लोकेशन को मार्क करने के लिए आपको पॉइंट डेटा ही चाहिए। आप जाएंगे हैंडपंप के ठीक ऊपर खड़े होंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जीआईएस टेक्नोलॉजी से, मोबाइल टेक्नोलॉजी से आप कलेक्ट कर लेंगे, तो आपका क्या हो गया, पॉइंट डेटा हो गया। अगर आपको सड़क बनानी है तो सड़क आमतौर पर हम किससे बनाते हैं, लाइन डेटा से बनाते हैं। ठीक है, तो आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। और अगर आपको कोई एरिया दिखाना है, जैसे आपको कानपुर सिटी को दिखाना है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, पॉलीगन्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से पॉइंट, लाइन और पॉलीगन्स हम लोग ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड। इसमें स्केल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, स्केल इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है कि मान लीजिए एक वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप में आपके जो बड़े सिटी हैं वो भी पॉइंट फाइल पॉइंट वैल्यू हो सकती है उसकी। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड मैप में आपके सिटी बस पॉइंट ही पॉइंट जितने दिखाई देंगे, उससे बड़े नहीं दिखाई देंगे। तो आपकी नीड के हिसाब से भी आप डिसाइड करते हैं कि आप जो एट्रीब्यूट देंगे वो पॉइंट होगा, लाइन होगा कि पॉलीगन होगा। बेसिकली जो आपके पॉइंट वैल्यूज हैं ये आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं। तो जो वेक्टर डेटा है, वेक्टर डेटा में जो भी पॉइंट है वो पॉइंट्स क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर ये पॉइंट है तो इसका एक लैटिट्यूड होगा और इसका क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा।
तो आपका जो पॉइंट फाइल है वो क्या है, लैटिट्यूड और उसमें क्या है लॉन्गिट्यूड है। ये जैसा कि मैंने बताया कि एक हैंडपंप भी हो सकता है और एक शहर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके नीड पे। लेकिन इस पॉइंट की दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होंगी, एक आपका एक्स वैल्यू होगी और दूसरी आपकी क्या होगी, वाई वैल्यू, जो कि बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगी। अब बेसिकली आप क्या करिए कि आप ये दो जो पॉइंट्स हैं उनको जोड़ते हुए एक आप क्या करिए, एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो अगर आपने दो पॉइंट को जोड़ते हुए लाइन खींच दिया तो वो क्या बन गया, आपका लाइंस बन गया, ठीक है। तो आपको जैसे रिवर दिखाना है, रोड दिखाना है, पाइपलाइंस दिखाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उन दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, तो वो क्या बन गया, आपका लाइंस बन गया। कभी कभी आपको एरिया दिखाना होता है, तो एरिया दिखाने के लिए आप क्या करते हैं कि एरिया दिखाने के लिए आपने जो आपने लाइन बनाया उसको अगर आपस में जोड़ दें तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो एरिया जिसको हम पॉलीगन फाइल्स कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन्स की विशेषता क्या होती है, पॉलीगन की विशेषता ये होती है कि इस पूरे पॉलीगन में जितने भी पॉइंट हैं, 100,000 पॉइंट भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट मिनिमम चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट जो होगा वो पॉइंट बनाएगा, दो पॉइंट क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, और मिनिमम 3 पॉइंट्स अगर होंगे तो क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। तो इसमें जो पॉइंट होगा, कम से कम एक पॉइंट वो पॉइंट होगा जिसकी वैल्यू दो वैल्यू बिल्कुल सेम होंगी, यानी एक पॉइंट की जो दो एक्स वाई वैल्यू होगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो वो उसको आप देख के समझ जाइएगा कि ये आपके क्या है, पॉलीगन है। तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इसी तरीके से आइडेंटिफाई करता है कि अगर किसी एक पॉइंट की दो वैल्यू सेम है, यानी वो जो है वो फीचर वो क्या है, पॉलीगन फीचर है, ठीक है। तो जब आपको एरिया शो करना होता है तो आप क्या ड्रॉ करते हैं, पॉलीगन्स ड्रॉ करते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे जीआईएस का तो मैं आपको पॉइंट फाइल और लाइन फाइल्स और जो पॉलीगन फाइल्स हैं उसको बनाना सीखूंगा। चलिए, दूसरा जो डेटा है हमारा वो रास्टर डेटा है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि रास्टर डेटा किससे बना है, पिक्सल से मिलके बना है, ठीक है। तो जो आपका रास्टर डेटा है वो कैसा है, पिक्सलेटेड डेटा है। जैसे ये देखिए सैटेलाइट, ये लैंडसेट की इमेज है जो हम लोगों ने डाउनलोड की है लैंडसेट से, ठीक है, यूएसजीएस से। इस पे ये आप जो लाइन देख रहे हैं ना येलो सी, ये आपकी क्या है, ये आपकी बेसिकली वेक्टर लाइन है, ठीक है। तो ये शेप फाइल है कानपुर, जो डिस्ट्रिक्ट है कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट उसकी। तो ये जो पूरा पीछे आप सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं, तो ये सैटेलाइट इमेज होती है, ये क्या होती है, रास्टर डेटा है। जब इसको आप जूम करना शुरू करेंगे तो जूम करते करते फाइनली आपको ये ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। देख रहे हैं आप पिक्सल, ये एक पिक्सल है, ये दूसरा पिक्सल है, ये तीसरा पिक्सल है, ठीक है। तो जो आपका रास्टर डेटा होता है वो हमेशा क्या होता है, पिक्सलेटेड होता है, उसमें पिक्सल्स होते हैं। चलिए अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ जीआईएस की। अक्सर पूछा जाता है कंपोनेंट ऑफ जीआईएस क्या है। कंपोनेंट ऑफ जीआईएस पे आप लोगों को बस ये सारी चीजें जो दिख रही है आपको एक्सप्लेन कर देना है। कंपोनेंट ऑफ जीआईएस में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए पूरा, ठीक है। कंप्यूटर में जो भी चीजें जरूरी हैं वो सब आपको चाहिए, आपका लैपटॉप भी हो सकता है और पीसी भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर जो इस डेटा को हैंडल कर सके, जो रास्टर और वेक्टर डेटा को क्या कर सके, हैंडल कर सके और एनालिसिस कर सके, मैपिंग कर सके, ठीक है। तो हमारे केस में हम QGIS यूज कर सकते हैं या ArcGIS यूज कर सकते हैं, ये और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ग्रास है, एरिडास इमेजिन है, ठीक है, वो सारे सॉफ्टवेयर्स भी यूज कर सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो आपका क्या है, डेटा। तो आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। डेटा कौन सा डेटा चाहिए, आपको सैटेलाइट डेटा चाहिए, ठीक है। और आप हो सकता है कि आपको वेक्टर डेटा, रास्टर डेटा भी चाहिए और वेक्टर डेटा। तो सैटेलाइट इमेज चाहिए तो आपको वेक्टर डेटा चाहिए। अगर आपको कानपुर का इलाके को जो है वो सैटेलाइट से अलग करना है तो क्या होना चाहिए, आपके पास एक कानपुर शहर की वेक्टर फाइल होनी चाहिए। और अगर आपके पास वेक्टर फाइल नहीं है लेकिन आपके पास दूसरे मैप्स अवेलेबल हैं तो खुद आप वो वेक्टर फाइल्स क्या कर सकते हैं, उसमें जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक मेथड को यूज करते हैं, जिस मेथड से अपना काम करते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं जिनको यूज किया जाता है। फाइनली आपको क्या चाहिए, लोग चाहिए, जो लोग ये क्या कर सके, काम कर सके। तो बेसिकली ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ जीआईएस है। तो कंपोनेंट ऑफ जीआईएस पूछा जाता है तो ये सारी चीजें आपको उसमें एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से इतना काफी है, इस पर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। जो ज्योग्राफिकल डेटा होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो भी ज्योग्राफिकल डेटा होगा, पहली बात उसकी एक लोकेशन होगी, ठीक है। तो उस डेटा की क्या होनी चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए। अगर डेटा की लोकेशन की वैल्यू नहीं है तो वो डेटा ज्योग्राफिक डेटा नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, उसके एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, उस डेटा से एसोसिएटेड वैल्यू होती है। जैसे आपके पास एक मैप है जिसमें आप पे यूपी की 75 डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई, जिसमें डिटेल है उसमें,
तो जब आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे उसकी एट्रीब्यूट्स को खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें 75 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनकी क्या है एंट्री है। तो जो जो भी डेटा है उससे रिलेटेड, यानी जो भी ज्योग्राफिकल डेटा है उससे जो रिलेटेड डेटा है उसे हम क्या कहते हैं एट्रीब्यूट डेटा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि सारे कॉलेज को हमने मैप कर दिया, तो जो कॉलेज का नाम लिखा है उसकी उसमें बच्चे कितने एनरोल्ड हैं, कोर्स कौन से चलते हैं, तो ये क्या है एसोसिएटेड डेटा है। इसी एसोसिएटेड डेटा को हम क्या कहते हैं एट्रीब्यूट डेटा कहते हैं। उसके अलावा उसका क्या होता है एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है। स्पेशल रिलेशनशिप मतलब ये है कि जो सिस्टम है, जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसको पता है कि ये जो जो ज्योग्राफिकल डेटा है ये आपके जो सॉफ्टवेयर में या जो ग्लोब में किस जगह से रिलेटेड है और इसके अगल बगल का जो एरिया है वो कौन सा है। तो यही क्या है स्पेशल रिलेशनशिप है, उसको पता है कि अगल बगल में क्या क्या चीजें हैं। चौथी जो इसके इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है टाइम, यानी जो आपका स्पेशल डेटा होगा उसमें हमेशा क्या होगा टाइम होगा। जैसे आपकी सेटेलाइट तस्वीर आज खींची तो ये क्या हुई आज की आज का आज के समय का ये डेटा हुआ। ठीक है, और फिर एक साल बाद और खींची तो वो अगले साल का डेटा हुआ। हम लोग जब भी क्या करते हैं हम लोग कंपेरिजन करते हैं या चेंज एनालिसिस करते हैं या चेंज डिटेक्शन करते हैं। हम जानना चाहें कि पिछले 30 साल में लैंड यूज में कानपुर शहर में क्या चेंज हुआ है, तो हमारे पास ऐसा ज्योग्राफिक डेटा होना चाहिए जिसमें टाइम वैल्यू दी हो। तो अगर ऐसा डेटा हमारे पास है तो हम चेंज डिटेक्शन के लिए उसे क्या कर सकते हैं विजुअलाइज और एनालाइज कर सकते हैं। चलिए फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको पता होगा हमारा जो अर्थ में बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही जीआईएस का कोर है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग जब सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करेंगे, मुझे लगता नहीं है अभी अगर जिन्होंने नहीं यूज किया उनको शायद ना समझ में, दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो भी डेटा आपके पास आता है उस डेटा को अक्सर आपको डिफाइन करना पड़ता है कि ये ज्योग्राफिक डेटा है, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब आपको कोऑर्डिनेट असाइन करना पड़ता है। तो वो कोऑर्डिनेट आप असाइन करते हैं कि ज्योग्राफी भी आप असाइन कर सकते हैं और प्रोजेक्टेड भी असाइन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा उस पर असाइन करना चाहते हैं और किस तरीके से उसे यूज करना चाहते हैं। बाकी मैप प्रोजेक्शन तो आप लोग सबको पता है, मैप प्रोजेक्शन क्या है, जो आपका 3 डायमेंशनल स्फीयर है, जो ग्लोब 3 डायमेंशनल है उसको जब 2 डायमेंशन में आप कन्वर्ट करते हैं तो आप प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। तो बेसिकली आमतौर पर प्रोजेक्शन की डेफिनेशन यही है कि आप कभी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जब 2 डायमेंशनल सर्फेस में कन्वर्ट करें तो उसे हम क्या कहते हैं प्रोजेक्शन कहते हैं। तो हमारे लिए मैप प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि जो ग्लोब है उस ग्लोब को जब हम प्लेन पेपर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं प्रोजेक्शन कहते हैं, मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। तो आपके दो तरह के मैप प्रोजेक्शन है, एक को हम कहते हैं ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जीसीएस प्रोजेक्शन। तो जो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ये अर्थ का एक मॉडल है। तो हमारा जो हमारा कंप्यूटर मॉडल है यानी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो इस बात को समझता है कि आपकी अर्थ क्या है गोल सरफेस है। तो वो क्या करता है एक वर्चुअल अर्थ का एक गोल सरफेस बनाता है और इस गोल सरफेस को बनाने के लिए वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या करता है उसको यूज करता है, जिसे हम ग्रेटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका सिस्टम है उसने क्या किया, यानी आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको पता है कि ये सारे क्या है ग्रेटिट्यूड्स है और ये गोल अर्थ हमारी है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके सिस्टम को पता है कि एक अर्थ है, यानी उसका एक वर्चुअल मॉडल उसने बनाया है, जो मॉडल क्या है ये है। अब मान लीजिए कि आप जो है वो इस ब्लॉक में रहते हैं या इस ब्लॉक में आप इंटरेस्टेड हैं, आपने इस ब्लॉक की सैटेलाइट इमेज ली और वो सैटेलाइट इमेज को जियो रेफरेंस किया। जियो रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जियो रेफरेंस में मैप को ये बताते हैं कि आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। जैसे ही हम मैप को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताते हैं वो जो सॉफ्टवेयर है वो इस उस इमेज को उठाता है और ग्लोब के इस हिस्से में ले जाके पेस्ट कर देता है। यानी अब सॉफ्टवेयर को जीआईएस सॉफ्टवेयर को पता है कि ये जो इमेज है वो दुनिया के किस पार्ट की इमेज है। ठीक है, ये ज्योग्राफिक डेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बेसिकली जो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या है अर्थ का एक मॉडल है। ठीक है, और वो मॉडल किससे बना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से बना है। और जैसे ही हम किसी इमेज को ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को ये पता होता है कि उस मॉडल के किस हिस्से से वो जो इमेज है वो बिलोंग करती है। लेकिन याद रखिएगा ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है अर्थ के शेप को फॉलो करता है। तो हमारा अर्थ जो है उसका जो जो सरफेस है उस सरफेस को वो ध्यान में रखता है। ठीक है, अर्थ अर्थ का जैसे हमारा हम क्या कहते हैं ऑब्लेट स्फीयर है हमारा अर्थ। ठीक है, तो उसको ये पता है सिस्टम को कि ये जो इमेज है ये कहाँ की है और वो जो इमेज है वो एक्चुअली उसको क्या करता है कर्व करके डालता है क्योंकि हमारी अर्थ कर्व है। तो कर्व के साथ वो क्या करते हैं उस जगह पे उस इमेज को ले जाके बैठा देता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो सिस्टम है मतलब हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन मैं और आप यूज कर रहे हैं वो स्क्रीन क्या है फ्लैट है।
और हम जो मैप देखने की आदि हैं या जो हम मैप में एनालिसिस करते हैं वो मैप भी क्या है, फ्लैट है। तो जो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो थ्री डायमेंशनल सिस्टम है, लेकिन जो आपका प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको बनाया गया जो फ्लैट कंप्यूटर आपकी स्क्रीन है और जो फ्लैट मैप्स हैं, उन फ्लैट मैप्स को फ्लैट बनाने के लिए जिस सिस्टम को हम यूज करते हैं उसे हम प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहते हैं जीआईएस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। ये प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है कि अर्थ को फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे आप संतरा छीलिए और संतरे को छिलके को आप फ्लैट करने की कोशिश करिए सरफेस पे, टेबल पे या किसी चीज पे, आप पाएंगे कि आप उसे फ्लैट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उस छिलके को काट दीजिए कहीं कई जगहों से, देखिए जैसे ये है, तो उसको आप क्या करें, उस फ्लैट सरफेस के साथ आप बैठा सकते हैं। तो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है कि वो मैप को डिस्टॉर्ट करता है, यानी उसे कहीं से श्रिंक करता है और कहीं से एक्सपैंड करता है, और श्रिंक और एक्सपैंड करने के बाद उसे वो फ्लैट सरफेस में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्या करता है, मैप को फ्लैट करने का काम करता है, ठीक है। तो आप अगर चाहें कि आपका जो आर्क जीआईएस है वो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ आपको एक फ्लैट मैप, यानी चारों कॉर्नर बिल्कुल एक दूसरे के बराबर रेक्टेंगल आपको प्रोड्यूस करके दे दे, तो आपको वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको किसकी जरूरत है, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत है। तो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है, जो थ्री डायमेंशनल मैप है उनको फ्लैट करने का काम करता है। तो आखिरी चीज इस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज डेटम, ठीक है। डेटम शब्द आप लोगों ने सुना होगा लेकिन डेटम का मतलब शायद नहीं पता होगा आप लोगों को। डेटम बेसिकली क्या है, हमारा जो अर्थ है जो कि स्फेराइड जिसका शेप है, वहां पे जो डेटम है उसको हम यूज करते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। एज अ रेफरेंस पॉइंट इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो जो डिस्टॉर्शन है वो डिस्टॉर्शन मिनिमम। जैसे मान लीजिए कि ग्रीनविच मीन टाइप से टाइम से हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, तो ग्रीनविच मीन टाइम में जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा क्या होंगी, परफेक्ट होंगी, ठीक है, ट्रू वैल्यूज होंगी। जैसे जैसे हम उससे दूर जाएंगे डिस्टॉर्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज ग्रीनविच मीन टाइम के बगल में है तो उसको अगर आप नापेंगे तो शायद वैल्यू सही आएगी, लेकिन वो चीज जो हजारों किलोमीटर दूर है जब उसे आप नापेंगे तो जो डिस्टॉर्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए हम लोग डेटम का यूज करते हैं, ठीक है। तो डेटम बेसिकली करता क्या है कि जो एरर है उस एरर को वो क्या कर देता है, कम कर देता है। और डेटम को इस तरीके, इसलिए हम इसे कहते हैं इसे रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको आपको डीएवी कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है, तो मैं आपको पूरा रास्ता बता दूं ऐसे 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 चले जाइए, या मैं ये कह दूं कि एक लकी रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल जहां पहुंच जाइए और उसके बिल्कुल बगल में 10 मीटर दूर क्या है, यूनिवर्सिटी है। तो जो लकी रेस्टोरेंट है वो क्या बन जाएगा, आपका डेटम बन जाएगा। तो लकी रेस्टोरेंट क्या हो गया, वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो लकी रेस्टोरेंट क्या हो गया, डेटम हो गया। तो जब हम किसी जगह को एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटम कहते हैं। डेटम दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल डेटा होता है जो कि आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को दिखाता है, दूसरा वर्टिकल डेटम होता है जो आपको लैंड एलिवेशन और वाटर डेप्थ को दिखाता है। चलिए अब इस पॉइंट से समझिए, जैसे बेसिकली अगर आपने ये अर्थ का मॉडल है, ये बिल्कुल गोल अर्थ है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को क्या पता है कि हमारी दुनिया कैसी है, बिल्कुल गोल है, लेकिन एक्चुअली में हमारी दुनिया गोल नहीं है। ये रेड लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपने उससे बोला, आपने वैल्यू ली जो कि एक्चुअल अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, जो कि देखिए काफी नीचे है लेकिन आप ऊपर हैं, और आप कहीं इस जगह पे हैं और आपने पूछा कि डिस्टेंस बताओ, तो वो क्या करेगा, इस जगह से इस जगह के डिस्टेंस बताएगा जो कि क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसमें क्या है, एरर है। इसलिए हम करते क्या है, हम डेटम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये डेटम लिया और यहां से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन क्या होती है, सही होती है। तो डेटम हम क्या करते हैं, बहुत सारे डेटम्स को हमने पूरी दुनिया में फैला के रखा है और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटम्स होते हैं, और उन डेटम को हम लोग यूज करते हैं लोकल कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। जैसे कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, आप लोगों ने जैसे शायद नाम ना सुना होगा, एक प्रोजेक्शन, इसका नाम है इंडिया नेपाल प्रोजेक्शन, ठीक है, हिंदुस्तान नेपाल प्रोजेक्शन भी उसे कहते हैं। तो हिंदुस्तान नेपाल जो प्रोजेक्शन है, जिसमें पुराने समय में अंग्रेज मैप बनाए करते थे, वो बेसिकली डेटम है जो डेटम इंडिया की वैल्यू को सही बताता है। तो अगर कोई कैलकुलेशन इंडिया नेपाल और आसपास के एरिया में करना है तो वो जो प्रोजेक्शन है वो बेस्ट वैल्यू देगा। उस प्रोजेक्शन में अगर अमेरिका का मैप बनाएंगे तो मैप तो बन जाएगा,
लेकिन जो एरिया का एरर होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। आप एक्स वाई एक्चुअल यहां होगा और हो सकता है कि 200 किलोमीटर दूर आप खड़े हो, तो एरर जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए हम डिफरेंट डेटम्स को हम लोग यूज करते हैं। एक डेटम जिसको आप सबको यूज करना है, हम पूरी जेएस टेक्नोलॉजी में आंख बंद करके जिस डेटम को यूज करते हैं, आप लोगों ने नाम सुना है WGS 84 का, मतलब वो जो प्रोजेक्शन है उसका जो डेटम है वो ऐसा है जो पूरी दुनिया के लिए बेस्ट माना जाता है। तो अगर आपको डेटम कंफर्म नहीं है आप डेटम के लिए, तो आप आंख बंद करके WGS 84 पे काम करिए। इसीलिए दुनिया में सारे लोग WGS 84 के साथ काम करते हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों ने अपने अलग से डेटम्स बनाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया अपने लिए ऑस्ट्रेलियन डेटम यूज करता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर होती है, उस एरर को अगर आप और रिफाइन करके कम करना चाहें तो अपने देश के लिए आप एक स्पेसिफिक जो डेटम है उसे डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली डेटम क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो जैसे मान लीजिए कि ये गोला जो है वो इंडिया है और हमने ये इस डेटम को यूज किया, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन यहाँ पे आप डेटम बना लीजिए, फिर इस डेटम को यूज करिए कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से डेटम जो है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और जो आपकी कैलकुलेशन है वो उसको क्या कर देता है, बेहतर कर देता है।